हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक और स्ट्रैटेजी। और आज जो मैं यूज करने वाला हूँ वो है पिवट पॉइंट्स। हमारे पास काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम स्ट्रैटेजी बताएं आपको, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको वीवैप की स्ट्रैटेजी बताई थी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पिवट पॉइंट की स्ट्रैटेजी। ये भी एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, इसको आप पोजिशनली भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको दो तीन दिन के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, पर मैं इसको इंट्राडे करता हूँ बिकॉज मैंने देखा कि इंट्राडे काफी अच्छे से काम करती है। और इसमें मैं केवल एक इंडिकेटर का यूज करता हूँ जिसका नाम है पिवट पॉइंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पिवट पॉइंट क्या होता है, इसको हम कैसे लगाते हैं और पिवट पॉइंट्स के बेसिस पर हम कैसे ट्रेड लेते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप पर दिखाने वाला हूं कि पिवट पॉइंट क्या होता है। ये मुझे पसंद क्यों है, ये एक इंडिकेटर है मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसका मैं आपको एग्जैक्ट रीजन दूंगा और फिर हम इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे पिवट पॉइंट को यूज करके मैं एंट्री एग्जिट सब कुछ कर पाता हूं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऑन द लैपटॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिवट पॉइंट्स होते क्या है। तो यहां पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं और यहां पर मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूं एंड यहां पर मैं पिवट पॉइंट्स को सर्च करने वाला हूं। यहां पर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा पिवट पॉइंट्स। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी लाइनें अपने आप आ गई हैं। एंड अब बात करते हैं कि क्या हैं ये लाइनें। तो ये जो अलग अलग लाइनें आ रही हैं यही पिवट पॉइंट्स हैं। जो बीच वाली लाइन है उसको पिवट पॉइंट बोलते हैं और जितनी भी ऊपर की लाइनें बन रही हैं, मतलब जो भी रेड लाइनें आपको दिख रही हैं, वो R1 R2 मतलब रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। एंड सिमिलरली जो भी नीचे की लाइन बन रही है वो सपोर्ट की लाइन है। अब हम देखते हैं कि इन लाइनों का क्या फायदा होता है। ये आपके जो पिवट पॉइंट्स है वो एक तरीके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। बट हम लोग को काफी बार प्रॉब्लम होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैनुअली बनाने में। आपने देखा होगा कि कोई लोग उसको हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, कोई लोग उसको डायगनली बनाते हैं। मतलब अगर हम यहां पर देखें तो देखने में कभी कभी हमें जो पिवट पॉइंट्स मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है बनाने में मुश्किल हो सकती है, बट वही चीज हमें काफी हेल्प कर देती है अगर हम पिवट पॉइंट्स डायरेक्टली इस इंडिकेटर को यूज कर लेते हैं। तो पहली चीज तो ये होगी कि जो पिवट पॉइंट है वो एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है और उसी के बेसिस पे हमारी स्ट्रैटेजी भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप एक चीज आप नोटिस करिए कि जैसे मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, जो पिवट पॉइंट बनता है वो शुरुआत में बन जाता है। तो अगर हम देखें, अगर हम ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी की बात करें तो 1 मार्च को आपकी जो पिवट पॉइंट बना है वो फिक्स्ड है। आप देख सकते हैं जो 1 मार्च को पिवट पॉइंट बना है वो पूरे महीने के लिए फिक्स्ड रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। आप इसको किसी और अगर इंडिकेटर से कंपेयर करते हैं, मान लीजिए अगर आप RSI से कंपेयर करते हैं, तो हमने काफी बार नोटिस किया है कि डेली टाइम फ्रेम पे RSI हो सकता है 70 के ऊपर हो, बट अगर हम उसको अगले दिन देखें तो वो 50 के नीचे आ जाएगा या फिर 20 के नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स की बात करते हैं तो हो सकता है आपका जो RSI है वो अलग चल रहा हो, बट किसी और टाइम फ्रेम में इंट्राडे की किसी और टाइम फ्रेम में उसकी RSI की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। मतलब हमारे जनरली जितने भी इंडिकेटर होते हैं उनकी वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट है, बट ऐसा हमारा पिवट पॉइंट में नहीं होता। तो अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, मैं आपको 5 मिनट्स की अभी चार्ट दिखा रहा हूं और यहां पर अब आप प्लीज नोटिस करें कि आपका पिवट पॉइंट कहां बन रहा है। और आप नोटिस करेंगे जो आपका पिवट पॉइंट बन रहा है वो आपका करीब, अगर मैं लोअर ये जो मिडिल पिवट पॉइंट देखूं वो 6966 का है, 6966 का है, दिस इज द मिडिल पिवट पॉइंट, राइट। ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है। अब मैं इसी को 10 मिनट्स पे ले जा रहा हूं, आप देखेंगे ये चेंज नहीं हुआ, इट इज स्टिल 6966 ओनली। मैं इसको 15 मिनट्स पे ले जा रहा हूं और यहां पर भी ये 6966 ही रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसको इंट्राडे के किसी भी टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं आप देखेंगे वो 6966 ही रहता है, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर कि हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं तब भी जो हमारा वैल्यू वो सेम रहती है, मतलब ये टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। और अगर हम किसी भी इंट्राडे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं 5 मिनट या 15 मिनट, तब भी हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सेम रहता है और उसके बेसिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे को दो चीज क्लियर हो गई, जो पिवट पॉइंट है अगर हम इंट्राडे बेसिस पर देखेंगे मतलब 5 मिनट्स 10 मिनट्स या 15 मिनट्स तो हमारे पिवट पॉइंट सेम रहेंगे, और सिमिलरली अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वो आप देखेंगे कुछ दिनों तक, इनफैक्ट पूरे महीने तक जो हमारा पिवट पॉइंट है वो फिक्स रहने वाला है। अब हम यूज करने वाले हैं कि पिवट पॉइंट क्या होता है और उसके बेसिस पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि पिवट पॉइंट एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, तो आइए देखते हैं। जितनी भी रेड लाइन है वो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, जो ये रेड लाइन है वो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, और जो हमारी ग्रीन लाइन है वो हमारी सपोर्ट की लाइन है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस की तरफ आता है तो काफी चांसेस रहते हैं कि वो वहां से रिवर्सल कर जाएगा, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग
सप्लाई जोन होता है। सिमिलरली अगर कोई भी स्टॉक या अगर इंडेक्स की बात करें वो अपने सपोर्ट की तरफ आता है तो यहां से उसके रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं बिकॉज ये डिमांड जोन होता है। इसी चीज का अब हम यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारे को डायनेमिकली पता चल रहा है कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। जैसे ही हम देखते हैं कि कोई भी हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी की किसी की बात करें, अभी मैं निफ्टी के एग्जांपल दिखा रहा हूं, आगे मैं आपको बैंक निफ्टी भी दिखा दूंगा, कि अगर ये हमारा ऊपर के लेवल पर आ रहा है, मतलब इफ इट इज कमिंग नियर द रेजिस्टेंस जो हमारा आर वन लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, तो काफी चांसेस हैं कि यहां से रिवर्स कर जाएगा और हम यहां पर एक सेलिंग एंट्री सोच सकते हैं। मतलब हम इसको अलग तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो हम फ्यूचर को ही सेल कर देंगे, निफ्टी फ्यूचर को ही सेल कर देंगे, या फिर यहां पर अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम पुट को बाय कर सकते हैं, और अगर हम एक ऑप्शन सेलर हैं तो हम यहां पर कॉल्स को सेल कर सकते हैं। तो आइए मैं लिख भी देता हूं, जैसे ही अगर निफ्टी आपकी जो रेड लाइन है वहां पर आ रहा है ऑन अ पोजिशनल बेसिस, तो हम यहां पर क्या क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन सेल फ्यूचर्स निफ्टी का फ्यूचर, या फिर हम निफ्टी की पुट को बाय कर सकते हैं। और क्योंकि हम ये देख रहे हैं पूरे मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं तो मंथली पुट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और या फिर हम कॉल को सेल कर सकते हैं। तो इन दिस केस मे बी 18,000 की कॉल को हम सेल कर देंगे बिकॉज दैट वाज आवर अप्रॉक्सिमेट प्राइस, बट इसके साथ हम थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय भी कर लेंगे, मतलब हेज कर लेंगे, अपना ट्रेड स्प्रेड बना लेंगे, मतलब 18,300 की कॉल को बाय भी कर सकते हैं। एक तो तरीका है ये है जिससे हम ट्रेड ले रहे हैं, मतलब हम एक रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं जैसे ही स्टॉक हमारा रेजिस्टेंस लाइन पे आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें जहां यहां आने के बाद इसने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया, हमारे को प्रॉफिट देता है, और उसके बाद जैसे ये नीचे वाले लेवल पर आता है, जैसे ये नीचे वाले लेवल पर आता है यहां पर अब हम बाइंग कर सकते हैं बिकॉज अगेन चांसेस ये हैं कि ये ऊपर चले जाएगा, और यहां पर इन दिस केस हम फ्यूचर को बाय कर सकते हैं या फिर कॉल को बाय कर सकते हैं। सो फ्यूचर को या तो बाय कर सकते हैं या फिर हम कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर हम पुट को सेल करके थोड़ा सा हेज बना सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई, हम जनरली पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं और आप देखें काफी बार आपको प्रॉफिट दे जाएगी। तो आइए कुछ महीनों का टेस्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं पिछले महीने की बात करूं तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये इस लेवल पर आया और यहां से रिवर्सल दी इसने, एग्जैक्टली अपने हाई मतलब आर वन को टच करा और नीचे गिरता है और फिर से अपने जो सपोर्ट है वहां पर टच कर देता है, मतलब हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है पिछले महीने निफ्टी। एंड लेट्स लुक एट वन मोर मंथ, अगर हम पिछला महीना इसका रिकॉर्ड देखते हैं तो आप फिर से देखेंगे कि ये नीचे रहा और इसी लेवल के पर रहा ये, मतलब जो इसका सपोर्ट लेवल था वहां रहा, उसको नहीं तोड़ पाया, इनफैक्ट वहां तोड़ने की कोशिश भी करी थी बट फाइनली इसने मंथ की क्लोजिंग उसके ऊपर दिए। तो मैंने काफी बार देखा है कि अगर मैं इसको पोजिशनली ट्रेड करता हूं विद द करेक्ट मनी मैनेजमेंट तो अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। या तो मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूं, आइए बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल देख लेते हैं ऑन अ पोजिशनल बेसिस। तो यहां पर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा हूं और सिमिलर चीज देखेंगे आप बैंक निफ्टी में भी। अगर मैं करंट मंथ की बात करूं मार्च की, तो ये बैंक निफ्टी में भी ऊपर गया था पहले, तो ऊपर गया बैंक निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली फ्रॉम आवर रेजिस्टेंस लेवल इसने रिवर्सल दी है और फिर से एग्जैक्टली फ्रॉम द सपोर्ट लेवल इसने वापस ऊपर मूवमेंट कर दी है। मतलब हम एक ही स्टॉक में या एक ही इंडेक्स में बार बार ऑपोजिट ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं हम सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं और जैसे वो नीचे आ रहा है हम बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कुछ दिन का और आप काफी बार देखेंगे कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रैटेजी हो गई पोजिशनल स्ट्रैटेजी, जहां पर हम एक रिवर्सल ट्रेड लेने की कोशिश ले रहे हैं जैसे ही वो इंडेक्स है वो स्टॉक अपने लेवल्स पर आ रहा है। आगे बात करेंगे हम एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी की यूजिंग अगेन द पिवट पॉइंट्स ओनली। इंट्राडे में मैंने पिवट पॉइंट्स को थोड़े अलग तरह से काम करते हुए देखा है। यहां पर मैं जनरली जो भी लेवल है, चाहे वो ऊपर का लेवल है चाहे वो नीचे का लेवल है, उसको मैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह ट्रीट करता हूं। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर वो ऊपर के लेवल को टच कर रहा है तो मैं वहां पे सेलिंग ही करूंगा या फिर अगर नीचे के लेवल पे टच कर रहा है तो मैं बाइंग ही करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं उसको एक इंपॉर्टेंट लेवल मान के ट्रेड करता हूं, मतलब मैं वहां पर एक पुल बैक ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। आइए मैं आपको बता दूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि इस दिन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि पहली कैंडल जो पहली ग्रीन कैंडल है उसी ने ही मेरी रेड वाले लेवल को टच कर दिया। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को केवल ये लेवल दिख रहा है इस समय इंट्राडे में, मैं इसको ये जरूरी नहीं मान रहा कि यहां से मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, बट यहां से मैं क्या वेट कर रहा हूं कि अगर एक पुल बैक मुझे मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं यहां से मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, निफ्टी नीचे गिरा, फिर इसने वापस पुल बैक दिया, मतलब उसने उसी लेवल को फिर से टच करा है बट उसको नहीं तोड़ पाया, यहां पर मुझे अब लगता है कि ठीक है मार्केट नीचे गिर सकता है और जैसे ही अपना नीचे का लेवल तोड़ेगा मैं यहां पर सेलिंग कर दूंगा। तो ये मेरी सेलिंग हो जाएगी बिकॉज ने एक इंपॉर्टेंट लेवल पर पुल बैक लेकर मुझे वापस एंट्री दी है और यहां पर अब जो मैं अपनी ट्रेलिंग करूंगा या जो मैं टारगेट बना सकता हूं वो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये वाला लेवल जो कि मिडिल लेवल है और उसके सीधे मेरा सेकंड टारगेट हो जाएगा नीचे वाला लेवल। और आप देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में इस दिन इसने
इस लेवल को भी टच कर लिया और फाइनली इसने इस लेवल को भी टच किया है। आइए एक दिन का एग्जांपल और देखते हैं, लेट्स कीप गोइंग फॉरवर्ड। अगर मैं यहां का एग्जांपल देखूं, हमें यहां पर अगेन मैं एंट्री तभी लेता हूं जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर निफ्टी टच कर देता है, एंड आप देख सकते हैं कि यहां पर इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया है, नीचे वगैरह लेवल को नीचे गिरा, इसने इस इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया। अब अगेन मैं वेट कर रहा हूं कि पुल बैक देगा, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर गया इसी लेवल से, यहां पर इसने पुल बैक दे दिया, मतलब नीचे आकर इसने फिर से उस लेवल को टच किया है, मुझे एक वैलिड पुल बैक दे दिया इसने, मतलब मैं इस कैंडल की हाई पे बाइंग करूंगा। सो दिस इज द बाइंग एंट्री, यहां पर मैंने बाइंग कर ली है और मेरा जो फर्स्ट लेवल है वो उस पर मेरे को टारगेट भी अचीव हो गया है। अब इनफैक्ट आप यहां देखेंगे यहां पर मेरी सेकेंड ट्रेड भी बन जाएगा। अगर आप देखें इस लेवल पर आकर इसने नीचे गिरा, फिर से इसने पुल बैक दिया है, मतलब मैं यहां पर एक सेलिंग एंट्री भी ले सकता था, मैं यहां पर सेलिंग एंट्री ले लूंगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। आप जनरली देखेंगे मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे यहां पर, दिस विल बी माय स्टॉप लॉस, बट ये मुझे पूरा प्रॉफिट नहीं दे पाया, इनफैक्ट इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बट दैट्स अ गुड थिंग कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटे होने वाले और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरा रिवॉर्ड काफी बड़ा हो रहा है, ऑलमोस्ट 1:3 का मेरा रिवॉर्ड हो रहा है और मेरा एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है स्ट्रैटेजी में। तो मैं ये स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बोला कि मैं लेवल्स को देखकर करता हूं, मैं ये देखकर नहीं करता कि वो ग्रीन लेवल है कि रेड लेवल है, स्पेशली ऑन इंट्राडे बेसिस। आइए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर एग्जांपल कुछ बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे। अगेन लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। अगर आप देखें इस लेवल पर इसने तोड़ा है एंड देन इट गेव अ पुल बैक, मतलब अगेन इसने इस लेवल को पुल बैक दे दिया है एंड इट गेम डाउन, मतलब मैं यहां पर कहीं सेलिंग करूंगा और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा पहला लेवल टच हो चुका है, तो मैं यहां पर एग्जिट ले लेता, तो दिस वुड हैव बीन माय फर्स्ट ट्रेड अगेन। एंड लेट्स सी कि अगर मेरे को सेकंड ट्रेड भी मिला है। जी हाँ, मेरे को सेकंड ट्रेड भी मिल गया है। आप देख सकते हैं कि यहां से ऊपर गया, इसने पुल बैक दिया और फिर ऊपर चला गया, मैं यहां पर बाइंग कर लेता विद दिस एज द टारगेट और मैं यहां पर एग्जिट भी कर जाता। सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप देखेंगे दिन में आपको केवल एक या दो ही ट्रेड मिलते हैं, बट एक्यूरेसी काफी अच्छी रहती है स्ट्रैटेजी की। आइए सिमिलरली देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड दिख रहा है, तो इसको मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखाने वाला हूं। देखते हैं कि कोई हाल ही का ट्रेड हम देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी यस्टरडेज ट्रेड। अब अगर आप देखें यहां पर मेरी जो एंट्री आ रही है, एंट्री एक्चुअली इस वाले में आ नहीं रही है। अब आप यहां पर बड़ा अच्छे से नोटिस कर पाएंगे कि मेरी यहां पर कोई एंट्री आई नहीं, बिकॉज मार्केट नीचे गिरता ही चला गया, पुल बैक नहीं आया। सिमिलरली यहां से मेरे को पुल बैक नहीं मिला, तो डायरेक्ट नीचे गिर गया था अगेन फ्रॉम हेयर, तो मेरे को यहां पर भी सेलिंग एंट्री नहीं मिल पाई और यहां पर भी मुझे बाइंग एंट्री नहीं मिल पाई क्योंकि पुल बैक ही नहीं हुआ। बट यहां पर अब आप देखिए आपकी एक एंट्री आ सकती थी, ऊपर गया मार्केट, पुल बैक भी दिया, बट इसने मुझे फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि ऊपर नहीं गया, तो मेरा ये भी ट्रेड कैंसिल हो गया, नहीं लग पाया। फाइनली जो मेरा ट्रेड लगेगा इस दिन वो यहां लगेगा, ऊपर गया पुल बैक दिया, इसी लेवल पर आकर इसने फिर ऊपर गया, मैं यहां पर बाइंग कर लेता और यहां पर कहीं मेरा एग्जिट हो जाता। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लियर होती आ रही है। बेसिकली वी आर वेटिंग फॉर द इंपॉर्टेंट लेवल्स, वहां पर जैसे ही टच होता है हम एक हल्का सा पुल बैक का वेट करते हैं, पुल बैक एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, पुल बैक एंट्री लेने के बाद जिस पॉइंट पे हमारा पुल बैक आया है वो ही हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाता है और कम से कम 1:2 या 1:3 का ट्रेड हम ले सकते हैं स्ट्रैटेजी में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि पिवट पॉइंट्स को यूज करके कैसे हम एंट्री ले सकते हैं, हमने ये भी देखा कि सेम ही पिवट पॉइंट को यूज करके हमारे को एक ट्रेंडिंग एंट्री भी मिल जाती है और वहीं से हमें एक रिवर्सल एंट्री भी मिल जाती है, और हमने ये भी देखा कि पिवट पॉइंट को यूज करके हम कैसे ट्रेलिंग भी कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे मिलती रहे। और हाँ, हमने ट्विटर पर भी ट्रेडिंग विद रो का हैंडल शुरू कर लिया है, उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसको जरूर जाके लाइक करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.